I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. Guys, welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले सुजुकी एवेनिस के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट में फिलहाल में लॉन्च हुई है, जिसकी काफी स्कूटर ने हाइप बनाई. तो चलो इसको समझते हैं, इसमें क्या फीचर्स आपको मिलने वाले. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी एवेनिस के बारे में. तो रिसेंटली इंडिया में सुजुकी एवेनिस स्कूटर लॉन्च हुआ है सुजुकी की तरफ. तो इस स्कूटर के इंजन की बात करेंगे तो इसमें 125 सीसी इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 8.55 bhp और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क. और ये जो इंजन है BS6 है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके मदद से जो स्कूटर की माइलेज निकलेगी वो 55 तो आराम से निकलने वाली, मतलब आप आराम से पकड़ लो यार, 50 to 55 आराम से आपको माइलेज देगी. 5.2 लीटर का यहाँ पे पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है, जिसकी रेंज कंपनी ने बताई है 286 किलोमीटर. तो अभी ये देखने वाली बात है, क्या यह स्कूटर 5.2 लीटर में 286 किलोमीटर कर पाती है, तो ये तो वक्त ही बताएगा. और उसके बाद में इंजन की बात करेंगे तो सेम इंजन आपको बर्गमैन में और सुजुकी एक्सेस में भी देखने को मिलता है, वही सेम चेसी और वही सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे में स्विंगआर्म सस्पेंशन इसमें देखने को मिलता है. आगे में आपको मिलता है 12 इंच का व्हील और पीछे में मिलता है 10 इंच का व्हील. उसके बाद में जो व्हील है ट्यूबलेस है. उसके बाद में हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करेंगे तो काफ़ी यहाँ पे आपको मतलब इंफॉर्मेशन से भरा है इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको गाड़ी का माइलेज भी देखने को मिलने वाला है. उसके बाद में दो ट्रिप मीटर होंगे, क्लॉक रहेगा. उसके बाद में ये जो मीटर है आपके ब्लूटूथ से सुजुकी का एक ऐप आता है सुजुकी राइड कनेक्ट, उसको भी एक कनेक्ट होगा. उसके बाद में इस स्कूटर में जो स्विचेस दिए गए उसकी फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है. मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है इस स्कूटर का जो लुक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ तो नया है भाई इसमें, क्योंकि अभी जो मार्केट में स्कूटर थे सुजुकी क्या बोलते हैं TVS एंटॉर्क हो गए, वो मतलब अभी थोड़े पुराने हो गए यार. कुछ तो नया चाहिए था मार्केट में, उसी समय सुजुकी ने अपना है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मतलब जो सुजुकी का काफ़ी लोगों ने जिस इंजन को पसंद किया है एक्सेस का इंजन, उसी इंजन के साथ इसको लॉन्च किया है. भले हालांकि ये इंजन वही रहे, लेकिन इस इंजन पे काफ़ी पब्लिक का भरोसा तो है ही. सामने में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है. ब्रेकिंग की बात करेंगे तो ठीक ठाक ब्रेकिंग स्कूटर में आपको मिल जाती है, नॉन ABS है आपको बताने जाए तो. उसके बाद में यहाँ पे जो LED हेडलाइट इन्होंने दिया है, यहाँ पे DRLs भी दिए हैं. उसके बाद में अपर डिपर के लिए दोनों हेडलाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं. और जो मेटल की बात करेंगे तो मतलब फाइबर ही पूरा स्कूटर में यूज़ हुआ है. और ये जो इंडिकेटर दिए है इनको थोड़ा ऊपर कर दिया है. उसके बाद में ये जो विंडशील्ड है यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी मस्त लुक आपको प्रोवाइड करने ही वाला है. इसकी बात करेंगे तो काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है. स्कूटर में कर्व्स की बात करेंगे तो हर जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा कर्व्स नज़र आएंगे. तो अभी हम इसके स्टोरेज की बात कर लेते हैं. तो जितना बर्गमैन में आपको स्टोरेज मिलता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना स्टोरेज है, लेकिन बर्गमैन में एक्सेस से ज़्यादा स्टोरेज बर्गमैन में आपको देखने को मिलता है. वही सेम स्टोरेज जिसमें आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब बढ़िया स्टोरेज जिसमें आपको मिलता है, जिसमें आपका फुल साइज हेलमेट तो आराम से आने ही वाला है. उसके बाद में फ्यूल कैप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल कैप आ रहा है, जिसको आप आगे जो ये चाबी है उससे अनलॉक नहीं कर सकते हैं. थोड़ा मुझे मतलब माइनस पॉइंट लग रहा है, इसके लिए आपको चाबी निकालना पड़ेगा. यहाँ पर इसका चाबी प्लेस करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ से ओपन होगा. तो ये बात मुझे मतलब थोड़ा कंपनी ने इसमें इम्प्रूव करना चाहिए था, वहाँ पर ही इसका स्विच उन्होंने ऐड कर देना चाहिए था, मतलब उसी स्विच में ये अगर ओपन हो जाता तो काफ़ी मज़ा आता. इसके बाद में अंदर भी आपको एक स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको USB चार्जिंग का सिस्टम भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है. ये काफ़ी अच्छी बात है, जिसके तरफ से आपका मतलब जो मोबाइल रहेगा यहाँ पर काफ़ी सेफ रहेगा. इस साइड में भी आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिधर आपका वाटर बॉटल तो काफ़ी इजीली आ ही जाएगा. उसके बाद में आप गाड़ी की ब्रेकिंग की बात करोगे तो गाड़ी की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी और काफ़ी मतलब बेहतरीन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. सिर्फ थोड़ा जो ये लेग रूम है थोड़ा कंपनी ने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, तो जो ज़्यादा हाइटेड लोग है अब मतलब अब वो 5'10" उनको तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनके पैर सीधा यहाँ पर टच होने वाले. पर काफ़ी शानदार यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए और ये जो सिंबल दिया है भाई है थोड़ा मुझे मतलब क्या बोलूँ थोड़ा ऐसा हायाबुसा वैसा उस टाइप वाला ही लग रहा है. उसके बाद में यहाँ पे
एविनिस की काफ़ी 3D और काफ़ी मतलब मस्त यहाँ पे उन्होंने ब्रांडिंग की है। उसके बाद में स्कूटर में ऐसी कुछ तो सेम चीज़ें जो देखकर आप बोल दोगे कि भाई ये थोड़ा एक्सेस और मतलब सुजुकी बर्गमैन का थोड़ा कॉपी। इसमें जो एग्जॉस्ट आता है सेम एग्जॉस्ट मतलब ये जो ऊपर का जो मफलर है ये भी सेम आपको बर्गमैन में देखने को मिलता है, और जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन होगा सेम अलॉय व्हील बर्गमैन में आपको देखने को मिलेंगे। स्कूटर की सीट हाइट की बात करेंगे तो 780mm का इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिलता है, वहाँ पर 160mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप इसके टॉप स्पीड की बात करोगे तो 90-100 इसकी टॉप स्पीड आराम से रहने वाली है। होप करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आपको इस स्कूटर के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।